sınıf sonucu और समझने का जो है हम सभी का और उसका उसूल अगर कहीं से मिला है तो मतलब कुछ जिंदगी से हमें मिलता है इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को मिल्लत इस्लामिया के लिए क़यामत तक बना बेहतरीन नमूना करार दिया लक़द काना रब्बुक फी रसूलिल्लाह तो इस तरह जो है इंसान की जिंदगी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर जब गुजरती है तो वो उन्होंने अल्लाह है मेरे हाल ये साहब जो है हमारे जनाजा दादी की उनके वाले अब्दुल साहब जो मुल्ला साहब खुबरी के जो छिपी के हजरतुल्ला ने तारीफ लिखी है और हजरतुल्ला के बड़े आशिक है आखिर वक्त पर मैंने साथ दिया और फिर हजरत मुबल्लिगीन के तालुक से उनका इख्तियार था कि अल्लाह मेरे को तमाम मुबल्लिगीन की बीमारी मुश्किल है उनको अच्छा लगता उनके लिए ये जज्बा होता था तो उन्हीं का एक बच्चा जो है अहमद शुरू से हमारे बचपन से जब भी आते हैं खास दोस्ती रही उसके मौके पर आते तो ज़्यादातर पैसा पैसे होते थे लेकिन इंसान की जिंदगी के लिए अल्लाह ताला के पास जो है अय्याम मुकर्रर है जिसको जिस वक्त पे जाना है अल्लाह की इलाज के बाद उसको चला जाता है लेकिन ऐसा नहीं कि इंसान जो है इलाज मालजे के सिलसिले में वक्त के शिकार हो इलाज मालजा भी अपनी जगह है और उसका वक्त भी अपनी जगह मुकर्रर है मेरे आज चंद दिन तक जो है यहाँ पर दुआएं सेहत के लिए आई अभी दुआ हुई तो एक साहब खुद को जो है बड़े यहाँ खुद साफ था अल्लाह की कमी नहीं है अल्लाह बचाए कि यहाँ जो है उन्होंने जबान से उनका ताल्लुक नहीं था क्यों उनके लिए फलाम करें अरे इस खाखा में गैर मुस्लिम जो है अपने बच्चों की अपने औलाद की सेहत के लिए दुआ लेने के लिए आशीर्वाद देने के लिए आते हैं मुबल्लिग का बेटा अगर न जमात इस्लामी ज्वाइन किया तो वो कोई गलत काम नहीं किया उसका काम भी किया वहाँ पर भी तबलीग इस्लाम के काम रहा चंद दिन था जब उससे बात हुई अहमद से तो वो कह रहा है कि बाबा मेरे रजिस्टर में इसका रिकॉर्ड मौजूद है कि हमारे इस कोशिशों की वजह से 4000 से ज्यादा गैर मुस्लिम दाखिल इस्लाम हजरतुल्लाह की जान के जो आदमी जो जिनके बुजुर्ग जो ना साथ दिए हैं तो वो जो है अपना काम से छूट जाता है किसी और इंसान से काम लेता है मैदान का काम ये नहीं इसीलिए हजरतुल्लाह ने फरमाया कि मेरा आदमी तातु शराब मिल गया तो वापस आता हुआ मेरा आदमी जो है वो तो इनके वालिद के तालुक से बहुत बड़ा सर्टिफिकेट हजरतुल्लाह ने दिया है वो भी ईमान की बल्कि मल्ला से करा हुआ था हालांकि वो मुझे वहां पर रुमान फेंक के कहा बस हाथ पे हाथ में जो लिखने लोग थे एक एक सौ दो तीन आदमी हाथ पकड़ सकते उस वक्त आप अपना शंका निकाल के रख दिए डाल दिए सामने तो सब लोग हाथ में शंका पकड़ लिए उसके बाद बैठ गए बट लेकिन जब हुकूमत से सटकता होने लगी तो फिर लिखे मौला के बना कम था वो बिना हुआ कि पट्टे दुआगा था करा नहीं अपने आप से खतरा तो आदमी को जब अपना सूफियाना मशा पर जब तैयार करते हैं तो आदमी को तंदसर नहीं होना चाहिए देखो बल्ले की जो ना हजरतुल्लाह की जो खान जो सोच है जो फिक्र है मुझे नहीं कितने उनके औलाद के सब वहां जाके काम कर रहा वैसे भी दर्जों को मुसलमान तो है चाहे वो जमात इस्लामी में जाए चाहे जमात में जाए या किसी और अहले हदीस में जाए हमारे पास आने वाले का कम एक एक सुनने की जरूरत थोड़ी अहले हदीस भी आए अहले ईमान भी आए अहले कुरान भी आए शिया भी आए सुन्नी भी आए और फिर अहमदी भी आए कौन कौन नहीं आए क्योंकि एक मुबल्लिग की फिक्र बहुत ऊंची होनी चाहिए उनके लिए दुआ खत के लिए इस्तेमाल करता है उनके लिए दुआ खत में करके कोई बात है कोई इतराज नहीं बहरहाल मैं ऐसे कर आ गया था मैंने उसकी वजाहत कर दिया क्योंकि यहाँ बेवकूफों की कमी नहीं होती कोई एक बेवकूफ घर गया उसके पीछे साथ देने वाले और कोई बेवकूफ जमा होते थे एक जमात बन जाती तो जिस तरह से तो उस बेअमली उस बदअमली और बेवकूफी को रोकने रोकने के लिए उसी वक्त उसका तदारुक जरूरी होता है इसलिए मैं वजाहत कर रहा हूँ मेरे आज जो है इस मौजूदा खानदान के लिए मेरी तरफ से जमात की तरफ से इजहार तासीर है लेकिन वहाँ वो उस जमात में शामिल होने के बावजूद उस नौजवान की हमदर्दियाँ जमात के लोगों के साथ बन नहीं सकती आप लोगों को इतला के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जिस जमाने में पकड़ दकड़ से
खुदा का सुनाना आया, खुदा माफ करें कि मेरे जमात के समझदार के घर में जन्म मंदिर में दो निवास में था, ठहरने के लिए मना किया गया, वो अपने घर में ठहरा किया, मेहमान में था, खातिर तवाजो किया, उसके बाद उसको नजर आना दिया, उसके बावजूद भी उनको बीमार पड़ा तो उसके लिए तुम्हारे शहर के लिए तुम्हारे पास रहना इतनी जो है काफिया तंग है, फिर उन्होंने दिमाग उसके लिए तुम्हारा शहर का ये बीमार फीवर है, बीमार सही नहीं था, इसको खत्म कर दो और बात कर रहा हूँ, अमल खाया था, अल्लाह का फजल था जो
जो है यहाँ पर आए दरबार में आने की बात में सिर्फ हाजिर नहीं होना और यहाँ पर गलती नहीं होती, हद तक इतना कोशिश करना कि यहाँ पर जो आने के बाद में कोई बेतौरिया और जो है ऐसी जिसको फजूल में मुबतला है बहुत बड़ी इसतला है जिसको, तो ये जो मुकाम है ये चीज़ है, तो उसी में एक वजूद हमारे पंडित रफी साहब का है। सब जगह सदर के उधर चले गए लेकिन हजरत रजा का हर वक्त का साथ देने वाला हैदर हुसैन जो है यहाँ की जमीन के जो है ना आपके यहाँ हो गए रहे और फिर जो है रफीद्दीन साहब अलहमदिल्ला उस खानदान में जो है तकरीबन 150-150 अफराद से बढ़ कर जो है ना उनके जमीन अफराद खानदान हो गया, तो मेरी तरफ से उनके लिए खराज खराज तहसीन और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है उनके खानदान में बोतला जो है इस काम को समझ कर कुर्बानी करके जो है ना आ गया है उस बच्चे को अल्लाह जो है ना दादा के अल्लाह से उसके ईमान को अल्लाह ताला सलामत रखे और उससे दीन इस्लाम की खिदमत करे और खिदमत तो कर ही रहा है और उसकी वजह से जो है ना और भी लोग उससे मुतासर हो रहे हैं। अल्लाह ताला जो है अपने ख्वाहिशात के साथ अपनी बात में खत्म करता हूँ वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अलीमिया जो है तुलसी की काफ़ी को आगे बढ़ाए खिरत और नाम के साथ Yeah.